हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल ज्ञान पर। मैं लेके आया हूँ कमाल की टेक न्यूज़। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं, जो हमारे चैनल पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। पहले अपडेट को देखकर पेट्रोल ने अपने पहले मेक इन इंडिया TVS ईयरबड्स को लॉन्च कर दिया इंडिया में। इस ईयरबड्स में 8mm के डिवाइस इनबिल्ट माइक्रोफोन दिया गया है। इसके अलावा यूजर्स को लेटेस्ट ईयरबड्स में गूगल असिस्टेंट और सिटी वाइज असिस्टेंट का सपोर्ट दिया जाएगा। सिंगल चार्ज में 12 घंटे का बैटरी बैकअप दिया गया है। ईयरबड का वजन 4 ग्राम है। इस ईयरबड में स्वेट और वाटरप्रूफ दिया गया है। प्राइस की बात करें 999 रुपये की प्राइस है। कलर्स की बात करें रेड और सिल्वर ब्लू कलर में अवेलेबल है। ये 20 सितंबर से आप अमेजोन की साइट्स पे खरीद सकते हैं। सेकंड अपडेट को देखते हैं, नोकिया ने 743 मोबाइल फ़ोन को लॉन्च कर दिया है। नोकिया 743 रेड्स लीक हो गए। 4 कैमरा पंच होल के साथ से लॉन्च किया गया है। नोकिया 743 में 6.5 इंच का पंच होल डिस्प्ले के साथ गोल आकर के 4 कैमरे दिए जाएंगे। स्नैपड्रैगन की बात करें, स्नैपड्रैगन 690 5G दिया गया है। इसके अंदर 6GB रैम के साथ से लॉन्च किया जा सकता है। बैटरी की बात करें 4000mAh की बैटरी दी गई है और 80W का सुपर फास्ट चार्जिंग दिया गया। प्राइस की बात करें करीब 24,000 से लेकर 28,000 के समथिंग प्राइस हो सकती है। बाकी फीचर्स का कंपनी ने अनाउंस नहीं किया, बट आई होप दिवाली तक इसे लॉन्च करने की उम्मीद है। थर्ड अपडेट की ओर देखते हैं, ओप्पो वॉच ECG एडिशन को लॉन्च कर दिया है। 40 मिनट बैटरी लाइफ से लॉन्च किया गया। ओप्पो ने इसी साल मार्च में ओप्पो वॉच को बाजार में उतारा था। वहीं कंपनी ने इस लाइफ अप में नया डिवाइस शामिल कर दिया। ओप्पो वॉच ECG एडिशन को लॉन्च कर दिया गया। इसे चीन में लॉन्च किया, इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया अभी। डिवाइस में 40 घंटे बैटरी लाइफ दी गई है। स्टेनलेस स्टील बॉडी मिलेगी इसके अंदर आपको। डिस्प्ले की बात करें 1.9 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। प्राइस की बात करें करीब 27,000 समथिंग की प्राइस हो सकती है। 1GB रैम और 8GB स्टोरेज दिया गया इसके अंदर। बैटरी की बात करें 430mAh की बैटरी दी गई है। इसे 46mm सिंगल वेरिएंट के साथ लॉन्च किया जाएगा चाइना में। एंड्रॉयड की बात करें एंड्रॉयड 6 इसके अंदर दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम। आप मुझे बताइए ओप्पो की ये ECG वॉच आपको कैसे लगी। प्राइस आपके हिसाब से प्राइस ज़्यादा है या कम, आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। फोर्थ अपडेट की देखते हैं, अमेजोन ने फायर TV स्टिक 3rd जनरेशन को लॉन्च कर दिया है। अमेजोन ने तमाम लीक्स के बाद आखिरकार 3rd जनरेशन के अमेजोन फायर TV स्टिक और फायर TV स्टिक लाइट दोनों को लॉन्च कर दिया है। बात करें दोनों के अंदर फुल HD रिजोल्यूशन दिया जाएगा। प्राइस की बात करें अमेजन फायर TV स्टिक की करीब 4000 समथिंग है और फायर स्टिक लाइट की बात करें वो 3000 इसकी प्राइस है। इसे 15 अक्टूबर से आप इसे खरीद सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। प्राइस इसके अंदर 8GB का स्टोरेज दिया गया दोनों के अंदर। HDR फॉर्मेट दिया गया दोनों के अंदर। 1.7GHz का कोर प्रोसेसर दिया गया। इसमें आपको अमेजन अलेक्सा वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट दिया जाएगा। आप मुझे बताइए अमेजोन फायर TV स्टिक आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं देखते हैं डेल का नया गेमिंग लैपटॉप भारत में हुआ लॉन्च। 10th जनरेशन इंटरनल CPU से लेस होगा ये। डेल ने G715 की कीमत करीब बात करें 1,61,990 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है। 50 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है। स्क्रीन में एंटी ग्लेयर ग्लास दिया गया है। लैपटॉप को विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। 10 जनरेशन के अंदर इंटरनल कोर E7 और E9 प्रोसेसर दिया गया है। बाकी फीचर्स का कंपनी ने अभी अनाउंस नहीं किया है। आई होप करीब अक्टूबर तक 1st या 2nd वीक में से लॉन्च कर सकते हैं इंडिया में। देखते हैं लास्ट अपडेट की ओर, वीवो ने अपनी वी सीरीज के तहत पिछले हफ्ते V20 और V20 Pro को लॉन्च किया था। अब कंपनी ने इस हफ्ते एक नया स्मार्टफोन VSE को लॉन्च कर दिया है। ये 8GB और 128GB स्टोरेज से लॉन्च किया गया। प्राइस की बात करें करीब 21,300 तो इसकी प्राइस हो सकती है। ब्लैक और ब्लू कलर में से लॉन्च किया गया मार्केट में। डिस्प्ले की बात करें 6.4 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया गया। स्नैपड्रैगन की बात करें 665 प्रोसेसर दिया गया स्नैपड्रैगन। 41mAh की बैटरी दी गई है। 33W का फ्लैश चार्जर दिया गया। स्मार्टफोन में ट्रिपल रियल कैमरा और 3D डिज़ाइन का उपयोग किया गया। कैमरा सेटअप की बात करें इसके अंदर 40MP प्राइमरी कैमरा, जो सेकेंड कैमरा है अल्ट्रा वाइड 8MP का, थर्ड है 2MP का डेप्थ कैमरा दिया गया। साथ में सिंगल LED लाश दी गई है। फ्रंट कैमरे की बात करें 32MP फ्रंट कैमरा दिया गया रियल। अभी तक कंपनी ने प्राइस
कि बात 21,000 समथिंग इसकी प्राइस, बाकी फीचर्स कंपनी ने भी अनाउंस नहीं किया है। आप मुझे बताइए वीवो V20 SE की सीरीज आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल यूट्यूब पर देखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फेसबुक पेज को लिए। वीडियो देखने का सभी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।